बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एलएलबी में एडमिशन लेने हैं, स्टूडेंट्स उसके हवाले से डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, जॉब्स की, स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में अप्लाई किया, एडमिशन जिन्होंने एडमिशन टेस्ट को दे लिया है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, जिन्होंने एलएलबी में एडमिशन लेना था, स्टूडेंट्स आप एलएलबी के लिए एडमिशन का प्रोसेस जो है बकाया तौर पर शुरू हो चुका है। एक तो आप इसमें सबसे पहले अप्लाई कर लें, और एलएलबी में जो अप्लाई की लास्ट डेट है उसके हवाले से बताऊँ तो आपके पास अभी 3 दिन का टाइम है, 8-9 अक्टूबर जो है इसमें अप्लाई की लास्ट डेट है। तो आज स्टूडेंट 6 अक्टूबर है, आपके पास 3 दिन का तकरीबन टाइम है, आप इसमें लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। सेकंड नंबर पे आपका जो जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन टेस्ट को पास किया है वो आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट भी आपने जो है वो देना है, हर हाल में देना था। अगर आपने दिया है और आपके अच्छे नंबर है तो आप इस पर लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। सेकंड नंबर पर आपका एडमिशन टेस्ट पास होना चाहिए। इसके अलावा जो इसमें अप्लाई की फी है वो 500 रुपये आपने जो है चालान पे करना है, और इसके अलावा लैब टेस्ट जो है वो आपका ला एडमिशन टेस्ट हर हाल में पास होना चाहिए। एज लिमिट का इन्होंने जो फैक्टर रखा है वो तकरीबन 24% जो है वो 24 ईयर्स की आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ये आपका स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम एज लिमिट है ला एडमिशन टेस्ट के लिए वो यही है। इसके अलावा अगर आपको एक्सपेक्टेड मेरिट की बताऊँ तो इस बार जो आपका मेरिट फ्लक्चुएट करेगा वो तकरीबन 84 से लेके 88 के दरमियान फ्लक्चुएट करेगा। आखिरी मेल इसका जो मेरिट होगा वो तकरीबन 85, 86 या 84 तक होगा। तो यहाँ तक अगर आपका एग्रीगेट बनता है तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन के होने के चांसेस हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। सीटों की बात करें तो तकरीबन इसमें जो सीटें हैं वो 260-270 सीटें हैं, जिसमें 230 सीटें ओपन मेरिट की होंगी और 30-35 सीटें जो है वो बाकी रिजर्व सीट्स होंगी, जिनमें जो है वो जो लार्ज सन वाला कोटा है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय सन वाला कोटा है, इसके अलावा जो रिजर्व सीट्स फाटा वाले स्टूडेंट्स होंगे उनकी सीटें होंगी इनमें। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है वो किनशिप वाले कोटा भी है, उसके अलावा कोटा सीट्स हैं, रिट प्रोफेसर सन वाला, एम्प्लॉय सन वाला, आर्मी सन वाला कोटा भी इसमें मौजूद है। तो इस कोटा पे भी आपकी टोटल सीटें 30-35 होंगी, और इसका तमाम कैंपसेज में गुजरांवाला, जेएलएम कैंपस, मेन लाहौर कैंपस, तमाम कैंपसेज में एडमिशन ओपन है। जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, स्टूडेंट्स एलएलबी में एडमिशन लेने का चांस अभी तक आपके पास मौजूद है, लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें। इसके हवाले से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं, पूछ रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स कम्प्लीट डिटेल मैंने आपसे शेयर कर दी है। इसी तरह की मजीद जॉब्स की, स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स हासिल करने के लिए आप चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी आपसे इसी चैनल पे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।